हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टोल पे। आज हम बात करेंगे डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाते हैं तब इंजेक्शन में से थोड़ी दवाई क्यों निकाल देते हैं। बने रहिए वीडियो के एंड तक, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। जब डॉक्टर सीरिंज में किसी शीशी से दवा भरते हैं तब यह जरूरी नहीं कि सिर्फ दवा ही सीरिंज में प्रवेश करे। बहुत बार ऐसा होता है कि एक दवा की शीशी कई बार इस्तेमाल करने से वह कुछ खाली हो जाती है, जिससे उसमें दवा के साथ हवा भी मौजूद रहती है। इसलिए जब इस शीशी में सीरिंज को डालकर दवा को बाहर खींचा जाता है तब दवा के साथ यह हवा भी सीरिंज में भर जाती है। ऐसे में यदि इसे सीधे मरीज के शरीर में लगा दिया जाए तब यह हवा के बुलबुले भी नसों में प्रवेश कर जाएंगे। हवा के बुलबुले नसों से होते हुए शरीर के विभिन्न रक्त कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं, जिससे रक्त कोशिकाओं के मार्ग में अवरोध आ जाता है, जिससे उस भाग में रक्त की कमी हो जाती है। इसके कारण मरीज को घबराहट होना, ब्रेन हेमरेज और लकवे जैसी शिकायत हो सकती है। और यदि यह हवा का बुलबुला मरीज के हृदय तक पहुँच जाए तो हृदय घात के साथ मौत भी हो सकती है। इसलिए डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाते हैं तब इंजेक्शन में से थोड़ी दवाई निकाल देते हैं, जिससे कि उस दवा के साथ हवा भी बाहर निकल जाए और मरीज के शरीर में न पहुंच पाए। अब आप समझ ही गए होंगे कि डॉक्टर ऐसा क्यों करते हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ।